नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने के पीछे एक खास मकसद है। ये उन लोगों का जवाब है जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी एनालिसिस में कोई दम नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल के चले जाते हैं और मजा नहीं आता है। दोस्तों, जाइए गौर फरमाइए हमारी 31 मार्च की उस वीडियो को, जहां मैंने आपको लॉकडाउन में उन 6 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी थी जो बेहतरीन स्टॉक है, जो बेस्ट स्टॉक है, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनमें मैंने आपको एवरेज करके लमसम इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहें, पार्शियल करना चाहें, पूरा करना चाहें, एक स्टेप वाइज तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी गई थी। दोस्तों, उस हर शेयर ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए है। हमने 31 मार्च को प्रेडिक्शन की थी, आज जून में हम बैठे, 8 जून में, मार्च से अप्रैल 1 महीना, अप्रैल से मई 2 महीना और जून के सिर्फ 8 दिन, मोटा मोटा 2 महीने 8 दिन, 2 महीने 8 दिन में इन शेयर्स ने आपको वो रिटर्न दिया है जो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं दे सकता। यही खूबसूरती है स्टॉक मार्केट की, और यही मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, आपको इसको रीड करना आना चाहिए, आपको इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं वो वीडियो कौन सी है। वीडियो का लिंक अभी ऊपर आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या चैनल पे जाके दोबारा स्क्रॉल भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, किस शेयर ने कितने रिटर्न दिए। दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल है और यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, ऐसे शेयर्स आपके हाथ से छूटे ना। दोस्तों, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये 2 महीने पुरानी वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा ये वीडियो हमने कब बनाई थी, हमने क्या कहा था। देखिए, बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ, 90,000 लोगों ने, 95,000 लोगों ने इसको देखा। 31 मार्च 2020 की ये वीडियो थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कौन कौन से शेयर्स की एनालिसिस किए और उन शेयर्स ने क्या दम दिखाया, क्या रिटर्न्स दी, चलिए देखते हैं। और अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे चलते हैं, वहां देखते हैं कौन से शेयर्स थे। ये शेयर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड टाटा मोटर्स। दोस्तों, जब मैं इन शेयर्स को रिकमेंड कर रहा था, लोग कह रहे थे इनमें बहुत डेट है, ये है वो है, बेकार के शेयर्स बता दिए, ये शेयर्स कभी चलेंगे नहीं। चलिए देख लेते हैं कि इन शेयर्स ने क्या रिटर्न दिए और कैसे दिए। इनकी क्रॉस चेक आप जाके कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लंबा बढ़ाऊंगा नहीं। मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट बना दी है, आप उस एक्सेल शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जाके वेरीफाई कर सकते हैं और बाद में कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाती है। दोस्तों, एक्सेल शीट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हमने देखिए कैसे बनाया इसको। डेट ऑफ रिकमेंडेशन 31 मार्च, सभी 31 मार्च को रिकमेंड की थी। नेम ऑफ द शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस उस दिन क्या था जिस दिन हमने रिकमेंडेशन की थी और अभी तक उसने क्या हाई बना चुकी है वो कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1090 के आसपास, 1091 की क्लोजिंग थी, 1618 का हाई बनाया, 527 पॉइंट्स हमने अर्न किए, 48% की रिटर्न है 2 महीने 8 दिन में। दोस्तों, HDFC बैंक 856 का प्राइस था जब हमने इसकी बात की और 1066 का हाई बना चुकी है, 210 रुपए, 210 रुपीज का प्रॉफिट एक शेयर पे, मतलब 25% की रिटर्न। बजाज फाइनेंस 2240 का प्राइस था जब हमने बात की, उसके बाद इसने हाई लगाया 2566 का, 326 पॉइंट्स हमने यहाँ भी अर्न किए, 15% की रिटर्न। एशियन पेंट 1645 पे हमारी रिकमेंडेशन हुई थी और कुछ दिन बाद ही शेयर ने 1859 का हाई लगा दिया था, 214 पॉइंट की रिटर्न ये शेयर दे चुका है, 13% की रिटर्न हमने एशियन पेंट से भी निकाली। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, कुछ लोगों ने ट्रॉलिंग आप भी आगे की थी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में पैसा नहीं बनेगा, 511 पे हमने रिकमेंडेशन की थी, 677 का इसने हाई लगाया, 166 पॉइंट्स हमने कमाए, रिटर्न सही 32%। और मेरा फेवरेट शेयर दोस्तों, जिस शेयर के ऊपर मैं कह रहा था ये वो शेयर है जो तुर्क का इक्का साबित होने वाला है, तो मैंने कहा था ये शेयर आपको कभी धोखा नहीं देगा, 70 रुपीज का प्राइस था जब हम इसके डिस्कशन कर रहे थे और इसने 119, कल ही इसने 119 का हाई लगाया। दोस्तों, 48 पॉइंट्स हमने अर्न किए, 69% की रिटर्न, मतलब जिस शेयर को कोई रिकमेंड नहीं कर रहा था उस शेयर में 69% की रिटर्न, पूरे साल में नहीं दोस्तों, 10 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, ये रिटर्न आपको 2 महीने 8 दिन में आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल पे मिली है। ताकि अपने टर्मिनल पे देख लीजिएगा कि ये रिटर्न्स जो हमने बताई है सही है कि गलत है। और हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है चैनल पे आइए, दोस्तों को भी लाइए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए। हम इस चैनल पे शोर नहीं मचाते हैं, कोई भी नॉइस नहीं देते हैं, सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिए, आपकी कमेंट हमेशा हमारा हौसला बढ़ाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।